हेलो माय वंडरफुल किड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। आई एम जिग्ना मेहता फ्रॉम अक्सर स्कूल। टुडे वी विल डू इंग्लिश सब्जेक्ट। वी डू आफ्टर लेटर एंड बिटवीन लेटर इन नोटबुक। हमने पहले भी ऑनलाइन लेक्चर में एक कर लिया है, अभी हम कर रहे हैं रिवीजन। अभी हम क्या करेंगे? फर्स्ट मेंशन डेट। ओके, फर्स्ट हम डेट लिखेंगे। कौन सी डेट है? विच डेट टुडे? डेट इज 4 फेब्रुआरी, यानी सेकेंड मंथ 2021 ईयर। एंड डे थर्सडे। ओके, सो थर्सडे का स्पेलिंग THUR THUR, THURSDAY, Thursday, ओके, THURSDAY, Thursday, ओके। चलो अभी हम करेंगे क्लास वर्क में आफ्टर लेटर एंड बिटवीन लेटर। और आपको मैंने बोला है कि क्लास वर्क हम करें और होमवर्क घर पर मम्मी आपको अभी प्रिपेयर करके देगी और आपको दूसरा ऐसे ही लिखना है, लेकिन सेम लेटर्स, यानी सेम ऐसे ही नहीं होना चाहिए। लेटर्स रिपीट हो तो चलेगा, इसमें से कोई भी लेटर आगे पीछे का रिपीट हो तो चलेगा, लेकिन सेम लेटर्स ऐसे ही देना नहीं। ओके, चलो अभी हम करते हैं आफ्टर लेटर। ओके, कैसे हमने किया था? जो लेटर यहाँ पर है उसके बाद जो लेटर आता है उसको बोलते हैं आफ्टर लेटर। एट्ले जे लेटर अँ लखेलो एना पी ब्लेंक्स आपी है, एट एना पीनो लेटर आप लखवा है, एट कहवाय आफ्टर लेटर। ओके, चलो अभी ये कौन सा लेटर है? विच लेटर इज दीस? दीस इज लेटर सी। सो सी आफ्टर, अभी आपको याद नहीं आ रहा है तो कैसे बोलना है? ए बी सी डी। तो सो विच लेटर वी राइट इन द ब्लैंक्स? येस, दिस इज वी राइट लेटर डी। वी राइट लेटर डी इन द ब्लैंक्स। ओके, चलो अभी विच लेटर इज दिस आफ्टर? यहाँ कौन सा लेटर मैंने दिया है? डब्ल्यू। सो डब्ल्यू आफ्टर, नहीं याद आ रहा है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। सो वी राइट एक्स लेटर इन द ब्लैंक्स। ओके, चलो विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर एच। This is letter H. So H after, H after I. देखो अभी यहाँ सभी लेटर कैपिटल है तो उसके आफ्टर भी हमें कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल लेटर लिखने नहीं है। सो H after I, आपको याद आ गया तो हम लिखेंगे I. ओके, चलो which letter is this? This is letter L, says L. So L after M. ओके, एल आफ्टर एम। एम सेज म, एल ल आफ्टर म। ओके, चलो विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर एन। सो एन आफ्टर एन आफ्टर एम एन ओ। ओके, मुझे भी याद आ गया, आपको भी याद आ गया तो लिख लो डायरेक्ट। ओके, विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर क्यू। सो क्यू आफ्टर, याद आ करो, चलो मेमर। ओके, याद आ गया, चलो क्यू आफ्टर आर, कैपिटल आर से र। चलो विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर एम से इज म, एम से इज म। सो एम आफ्टर, एम आफ्टर N says N, N says N. Very good. चलो, which letter is this? This is letter
के. सो के आफ्टर नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, याद आ गया. हो गया, वेरी गुड. एल सेज ल, कैपिटल एल सेज ल. चलो विच लेटर इज दिस, आई आफ्टर, दिस इज लेटर आई. सो आई आफ्टर जे सेज ज, जे सेज ज. ओके, अभी अभी ये लेटर देखना है, कौन सा लेटर है, विच लेटर इज दिस. दिस इज वी सेज व, वी सेज व, सिंपल व. तो वी आफ्टर हार्ड व, व. ओके, तो हार्ड व यानी डब्ल्यू सेज व, डब्ल्यू सेज व, है ना. चलो विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर डी, डी. तो डी आफ्टर याद आ गया, डी आफ्टर ई, ई सेज ए, ई सेज ए. ओके, चलो अभी हमने ये क्या किया, आफ्टर लेटर. ओके, अभी हम करेंगे बिटवीन लेटर्स. अभी बिटवीन लेटर्स कैसे करना है, तो बिटवीन लेटर भी आफ्टर जैसा ही है, लेकिन जो आगे लेटर दिया है, जो आगे लेटर है उसके बाद हम लिखते हैं, इसलिए उसके बाद का लेटर आफ्टर बोलते हैं. और जो पीछे हमने, जैसे हमने आफ्टर नंबर किया था वैसे ही, इसके पीछे ये लेटर दिए है उसके आगे लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं बिफोर नंबर. यानी आगे जो नंबर दिया है उसके बाद का नंबर आता है, लेटर आता है, तो उसको बोलते हैं आफ्टर लेटर. और इसके पहले का, आगे का नंबर लेटर है, तो आगे का लेटर है इसलिए बोलते हैं बिफोर लेटर. ओके, तो अभी हम ये ही देखेंगे, आगे के लेटर ही देखेंगे. तो इसके आफ्टर लेटर लिखेंगे तो इसके पहले का लेटर तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. ओके, चलो अभी अभी आपको आफ्टर लेटर तो आते ही है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी बिटवीन लेटर में. ओके, चलो सो विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर बी. तो बी आफ्टर ए बी सी और डी, आप ऐसे ही देख सकते हो ए बी सी. तो यहाँ सी लिख लो, इन ब्लैंक्स वी राइट लेटर सी इन ब्लैंक्स. तो ए बी सी डी. ओके, ये हमारा हो गया सही लेटर. ओके, चलो बी विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर ओ. ओ तो ओ आफ्टर याद है आपको, ओ आफ्टर पी. नहीं याद है तो भी आप ऐसे ऐसे देख लेना, एक बार लिख लो पी ओ पी क्यू. तो ये भी मेरा सही है, फिर भी नहीं याद आ रहा है तो कैसे बोलना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू. ओके, चलो याद आ गया. चलो विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर जी. सो जी आफ्टर एच, आपको याद आ गया, एच एच जी एच आई, सही है मेरा ये लेटर भी. चलो विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर जे. तो जे आफ्टर के, जे के एल, सही है. चलो मेरा ये लेटर, विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर आर सेज र. तो आर आफ्टर नहीं याद आ रहे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. तो यहाँ क्या लिखना है, आर एस ओ टी. ओके, चलो विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर एक्स. एक्स आफ्टर कैपिटल वाई सेज य. देखो इसमें भी सभी लेटर कैपिटल है, इसलिए हमें बिटवीन भी कैपिटल लेटर ही लिखने है. ओके ओके, चलो विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर ई. तो ई आफ्टर एफ सेज फ. ओके, ई एफ जी. ओके, चलो विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर यू. यू आफ्टर वी सेज व, यू वी डब्ल्यू, वेरी गुड. चलो अभी विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर ए. ए आफ्टर
बी, ए बी सी। चलो मैंने बी भी लिख लिया, आपने लिख लिया मेरे साथ। सब बच्चे क्लेवर है, अभी तो आप फटाफट करते हो। चलो विच लेटर इज दिस, दिस इज लेटर एफ। तो एफ आफ्टर याद आ गया। जी सेज ग, तो कैसे करना है? एफ जी एच, बराबर ना, एफ जी एच आ गया। चलो चलो अभी ये कौन सा लेटर है? पी सेज प, तो पी आफ्टर क्यू, हाँ पी क्यू आर। तो ये भी यहाँ क्या आएगा? क्यू। समझ में आ गया? हमने अभी ये रिवाइज कर रहे हैं आफ्टर लेटर, और हमने किया बिटवीन लेटर्स। ओके, तो आफ्टर लेटर और बिटवीन लेटर्स ऐसे क्लास वर्क में करना है और होमवर्क में भी करना है, यानी आप दो पेज ऐसे मुझे लिख कर भेजना है। ओके बच्चा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।